तो दोस्तों आज हो गया 11 अगस्त 2023 यूपी समेत देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेकर आए। सिर्फ आपके लिए चली फाफट खबर शुरू करते हैं। उनसे बचाएं को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत माता पर की गई टिप्पणी पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का करीब 2.25 घंटे तक जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद निरंजन चौधरी को अनियमित आचरण के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि निलंबन प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा पेश किया गया है। लोकसभा ने कांग्रेस के नेता निरंजन चौधरी के आचरण के मामले को विशेष अधिकार समिति के पास भेजने का फैसला किया है। समिति का फैसला आने तक उन्हें लोकसभा से निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी पहलवान विनेश फोगाट आज राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा है कि पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लगा दी है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को जातिवार गन्ना का मुद्दा यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में उठाया है। इसके जवाब में योगी सरकार ने दो टुक कहा है कि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है और राज्य में ऐसी जनगणना कराने की उसकी कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि विधान परिषद में इस मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य सदन के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। ईदगाह की जमीन विवादित नहीं, गर्भगृह का है हिस्सा। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र। जी आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में एक और वाद दायर किया गया है। ये वाद आगरा के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दायर किया है। वाद दायर करने के पश्चात याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर के 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को हक के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज आदिवासी समाज जाति धर्म के आधार पर बटा है, जबकि संस्कृति और खून एक है तो समाज भी एक हो। हमारी समस्या भी एक जैसी है तो लड़ाई भी एक होनी चाहिए, इसके लिए सबको एक होना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदिवासियों की कई भाषाएं गायब हो चुकी है, हमारे जीवन को आस्था के केंद्रों से बांधने का प्रयास हो रहा है। ऑल इंडिया मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए भाषण को लेकर तंज किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आज का भाषण पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा बोरिंग था। हमें लगा था कि पीएम मोदी मणिपुर हिंसा की निंदा करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीआरएस और हमारी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया था। हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की पीड़ित जनता के जख्मों पर मरहम लगाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि उसका काम करने का तरीका देश को खतरे में डाल रहा है और सरकार को नफरत छोड़कर मोहब्बत की बात करनी होगी। आपको बता दें कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पाकिस्तानी मत कहिए, कब तक शक करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम वतन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वहां जनसंख्यिकी में बदलाव करने की कतई नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर उस राज्य में शांति बहाली की अपील करनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर से जुड़े घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कथित फ्लाइंग किस को लेकर बखेरा खड़ा हो गया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भगवा पार्टी नफरत की इतनी आदि हो गई है कि वो प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि मैं दर्शक दीर्घा में थी और उन्होंने स्नेह व्यक्त करते हुए ऐसा किया। बुरे फंसे राघव चड्ढा फर्जी दस्तखत की होगी जांच, विशेष अधिकार समिति के हवाले हुआ मामला। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कुछ सांसदों की उन शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राघव चड्ढा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट ASI गोपनीय रखेगी और केवल अदालत में दाखिल करेगी, वो किसी तरह का बयान मीडिया में नहीं देगी, रिपोर्ट लीक भी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि ज्ञान वापी में क्या मिला क्या दिखा आदि पर खबरें मीडिया में नहीं छपनी चाहिए। यूपी विधानसभा के लिए नई नियमावली का प्रावधान किया गया है। इसमें तय हुआ कि कोई सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर नहीं जाएगा, विधानसभा में झंडे प्रतीक और अन्य कोई वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे। टमाटर खाकर आना मना है, सांड पर बात नहीं, जनहित के मुद्दे उठाना मना आदि पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। टमाटर के बाद अब प्याज भी आपके घर का बजट बिगाड़ सकता है। देश की कई बड़ी मंडियों में प्याज की सप्लाई में कमी की वजह से जानकारों का कहना है कि कुछ दिन में प्याज की कीमतें भी आम आदमी को रुला सकती है। आपको बता दें कि टमाटर की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही है। असम के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दावा किया है कि आज मणिपुर में जो भी हालात है उसके पीछे कांग्रेस की ही कारस्तानियां हैं। साथ ही उन्होंने यहां की हिंसा के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इसी दौरान शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की वजह से रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे रात के 3 बजे फोन किया और मणिपुर की एक विशेष घटना पर चर्चा की। हम हमेशा सार्वजनिक रूप से अपने कामों के बारे में बात नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी के असम इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, पार्टी महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा, सांसद गौरव गोगोई, अब्दुल खालिक और कई अन्य नेता मौजूद थे। संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़ा बदलाव नजर आएगा। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का अधिकार तो होगा लेकिन उन पर उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। अधिकारियों के तबादले से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सिविल सर्विसेज प्राधिकरण फैसला करेगा। वहीं विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भी LG की मंजूरी लेनी होगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदूवादियों की ओर से बाहर आकर बयानबाजी करने से दुखी मुस्लिम पक्ष एक बार फिर कोर्ट पहुंचा है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।